जी हाँ दोस्तों, जिस लाल में बुढ़ापे का सहारा देखा हो, जिसकी कम उम्र में सफलता से सीना चौड़ा हो गया हो, उस लाल के जस्टिस ना मिलने पर माँ पिता पर क्या बीतती होगी। यह तो दोस्तों सिद्धू मूसेवाले जी की माँ चरणजीत कौर और पिता बलकौर सिंह जी, सिद्धू मूसेवाले जी की हालत देखकर समझा जा सकता है इस वक्त, क्योंकि पिता जो है इस वक्त हॉस्पिटल में है और माँ चरण कौर जी जो है जस्टिस की गुहार लगा रही है एक बार फिर से। दोनों ही अपने अपने कर्मों में लगे हैं लेकिन जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें 29 जनवरी को हो गया 8 महीना पूरा सिद्धू मूसेवाला जी की हत्या के, लेकिन जस्टिस की पुकार अब तक सरकार तक नहीं पहुंची है। ऐसे में आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की जो है सिद्धू मूसेवाले जी की माता चरण कौर जी को लेकर सामने आई है। ऐसा खतरनाक बयान, ऐसा खतरनाक तेवर पहली बार सिद्धू की मां चरण कौर जी ने जो है लिया है, फैसला लिया है, खतरनाक फैसला जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आपको बता दें मां चरण कौर ने यह भी कहा कि मैं खुद बदला लूंगी मूसेवाले की दर्दनाक मौत का, अपने बेटे के दर्दनाक मौत का बदला मौत से। सरकार से भरोसा उठ गया, निकम्मी सरकार है, शाम को कुछ फैसला लेती है सरकार और सुबह कुछ फैसला बदल देती है, हमें अब भरोसा बिल्कुल नहीं रहा। पूरी अपडेट हम आपको देंगे इस वीडियो के अंदर, साथ ही वीडियो भी सुनवाएंगे मां चरण कौर जी के मुंह से। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट जो सामने आई है सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या के 8 महीने बाद जो बड़ा फैसला आया है वो हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। एक एक बात बताएंगे, एक एक जानकारी देंगे हम आपको। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर नीचे रेड बटन पर क्लिक करके हर लेटेस्ट अपडेट के लिए जरूर कीजिए, बिल्कुल फ्री है। साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पे भी जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, ताकि पल पल की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, आप स्क्रीन पर इस वक्त साफ वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि माँ चरण कौर जी अपने लेटेस्ट स्पीच के दौरान आज वह खुद को हारा हुआ महसूस कर रही हैं। मन में गुस्सा को दबाए और आंखों में आंसू लिए आज वह किस कदर लाचार महसूस कर रही है दोस्तों, जिसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। जवान बेटे की मौत का जिंदगी भर दुख लेकर जीना किसी पहाड़ से कम नहीं है माता पिता के लिए इस वक्त। आपको बता दें दोस्तों, मां चरण कौर ने अपने लेटेस्ट स्पीच में ये बयान दिया कि उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को एक चिट्ठी लिखकर बेटे के लिए इंसाफ की मांग की थी। साथ ही मांग की कि केस की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए और इसमें सीबीआई और एनआई को भी साथ लिया जाए। लेकिन आपको बता दें दुख की बात तो ये है कि एनआई की टीम तो शामिल हो गई, जिसमें अफसाना से भी पूछताछ हुई लगातार, लेकिन सीबीआई जांच के लिए जो है मना करवा दिया गया। कहा गया कि पंजाब के जो पुलिस हैं वो सही से कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मां चरण कौर जी का ये कहना है कि वो तो शाम को कुछ और फैसला लेते हैं, सुबह कुछ और फैसला लेते हैं, हमारे चक्कर लगवाते हैं, लॉरेंस को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो हंसता रहता है, किस बात की सजा दी जा रही है उसे, सजा तो हम भुगत रहे हैं अपने बेटे के हत्या का और उसके जाने का गम का, ना इंसाफ मिलने का, दर दर की ठोकरें तो हम खा रहे हैं। मां चरण कौर जी ने अपने लेटेस्ट स्पीच में दोस्तों ये भी कहा है, क्यों ना अफसरों की जवाबदेही अब तक नहीं की गई है जिन्होंने मेरे बेटे सिद्धू की सिक्योरिटी छीन ली थी, हटा दी थी और लीक की थी उसकी सिक्योरिटी, जिस वजह से मेरे बेटे की हत्या कर दी गई। मां चरण कौर जी रोते रोते ये भी बोली कि मेरे बेटे ने पूरी दुनिया में पंजाब और मूसा पिंड का नाम रोशन किया इतनी कम उम्र में, लेकिन डीजीपी पंजाब की तरफ से मेरे बेटे की मौत को गैंगवार के साथ जोड़कर पेश कर रहे हैं। सिद्धू की मां चरण कौर जी ने रिक्वेस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी विनती है कि वो जनता से इसके लिए माफी मांगे, मैं सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की उम्मीद करती हूं, ना कि अपने बेटे की हत्या गैंगवार से जुड़े होने की उम्मीद करती हूँ, मेरा बेटा शहीद हुआ है। इतना ही नहीं, मां चरण कौर जी रोते रोते ये भी बोली अपने लेटेस्ट स्पीच में कि पंजाब सरकार जो है निकम्मी सरकार है, उनका सब कुछ खत्म कर दिया पंजाब सरकार ने। मां ने कहा कि उनके बेटे की मौत के लिए अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पूरी तरह से जिम्मेदार है। सिद्धू मूसेवाला जी पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 30 राउंड फायरिंग की गई थी दोस्तों अस्पताल ले जाने पर, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृतक घोषित कर दिया था, उनके सिर की हड्डी में भी जो है फंसी हुई थी गोली, और वहीं डॉक्टर ने यह भी कहा था कि थोड़ी देर पहले अगर लाया जाता सिद्धू को तो शायद वो बच सकते। अब मां चरण कौर जी सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की उम्मीद रखती हैं,
और वो कह रही हैं कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो आने वाला वक्त बहुत ही बुरा हो सकता है। हम शांतिपूर्ण ढंग से जो है इंसाफ मांग रहे हैं, इंसाफ की उम्मीद करते हैं। मेरा बेटा निर्दोष था, उसकी निर्मम हत्या की गई है, दर्दनाक मौत हुई है, हत्या की गई है उसकी। मुझे इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। उसके फैंस रोज आते हैं हवेली पर, क्या जवाब दूं मैं उन्हें, क्या अपडेट दूं मैं उन्हें, कोई अपडेट हमें दी ही नहीं जाती, कुछ बताया ही नहीं जाता है। पुलिस की तरफ से हम जाते हैं तो शाम को कुछ कहते हैं, सुबह कुछ और कहते हैं। वहीं सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी की इस वक्त तबीयत जो है नाजुक चल रही है, उन्हें रेस्ट के लिए बोला गया, इसीलिए माँ चरण कौर जी खुद जो है इस संडे को स्पीच देने के लिए आई थी। क्या कुछ कहा माँ चरण कौर जी ने, ध्यानपूर्वक सुनिए। और इसे लेकर जो भी आपके विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। सिद्धू मूसेवाला जी के इंसाफ में जो देरी हो रही है, आठवां महीना भी बीत गया, आठवां महीना लग चुका है दोस्तों, आपको बता दें अब भी जस्टिस नहीं मिला है, क्या कहना है आपका इसे लेकर जरूर कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हर लेटेस्ट अपडेट के लिए। मतलब उन्हें पहला उनकी सिक्योरिटी लीक की थी, वो भी असं उन्होंने भुज चुके हैं। 29 तरीक उदी मौत होने के तुरंत बाद उन्हें जी पोस्ट पाई भी मानसा के नेड़े जवारके सिद्धू मूसेवाले का होया कतल, भी उन्होंने लोगों ने प्रसाद भी वंडिया हेठा भी एक महीना कल तू उसकी सिक्योरिटी लीक की तो अज वो मौत हो गई। इदू तो भी होर असं प्रूफ की दे सरकार को, सानू 8 महीने हो गए कहवें तेज पन्नू कहीं कार्रवाई करो कार्रवाई करो, कोई कार्रवाई नहीं। सवेरे फैसला लै लेंगे शाम को बदल देंगे ने, यह बदल वर्गी सरकार है। मेरे अंदर बहुत बलबले भी ने भी मैं क्ढा, पर फिर भी अभी हजे फिर चुप कर जाने भी कोई गल नहीं, होर देख लें भी जे साडे बच्चे नूं इंसाफ देंगे। फिर उस तो बाद मैं सारे नूं माड़ा नहीं कहती, असीं तिन्नों पार्टियों कोले गए, बीजेपी कोले भी गए, आम आदमी कोले भी गए, राहुल गांधी दी भारत जोड़ो यात्रा विच भी गए, क्योंकि इस टाइम सानूं कुछ दिखता नहीं। चार सवेरे साडे भुप हनेरा, साडा बच्चा गया, साडा जवान जिहड़ा असीं जिथों भी सानूं उम्मीद होगी असीं उत्थे जावांगे। सानूं तां हुण ऐवें आ इत्थों भी सानूं कोई कह दे वी हाँ आह गल आया, सानूं कोई इंसाफ दी उम्मीद जागे, असीं तां हरेक थावें जावांगे। पर बिच मैनूं कह भी दिंदे ने बिच भी बेबे तूं रब दा नां लिया कर, कमेंट ना पढ़िया कर, पर कमेंटां दे विच सानूं भी कुछ लोकां दा दल्ले लोकां दा पता लगदा वी उत्थे बैठे आ गए। वो कहिंदे जी इह तां सियासत नूं जाण दा मारा तुरिया फिरदा, सियासत ने पहला सानू की देता साडा कुछ हो जाए। हुण जाणी जाण तां असीं भी हाँ, साडा जवाब किहने कीता, क्यों कीता, किहने किहने कीता, पर करिए कि कोई पेश नहीं चलता। सानू लॉलीपॉप देंगे चुप करा देंगे, तुसीं उत्थे ना जाओ, तुसीं उत्थे ना जाओ, तुसीं ऐ ना।